मान्यवर, ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। आजादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण है जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आया, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला है। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष। और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं, कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और क्या बात करते हो लोकतंत्र की,